बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आवाज़ आवाम तक आप पहुंचा रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यकीनन जो आप सवाल कर रहे हैं मौलाना साहब के आने के हवाले से, यकीनन हमारी तैयारी आज मुकम्मल हुई है। आज असर से पहले पहले इंशाल्लाह मौलाना साहब यहाँ पहुंच जाएंगे। आज जोर के बाद 2 बजे हमारी मोटरसाइकिल और गाड़ियों की रैली होगी। वही रैली मौलाना साहब के इस्तकबाल के लिए द्रोज की तरफ जाएंगे और जहां मौलाना साहब से मिलेंगे इंशाल्लाह मौलाना साहब की पुरतपाक इस्तकबाल करके मौलाना साहब को अपने साथ लेके यहां इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। और आज रात को पमेर होटल में मौलाना साहब स्टे करेंगे और वहां से सुबह हमारे जलसागाह में आएंगे तकरीबन 10 बजे, और जैसे जलसा ख़त्म होगी उसके बाद फिर पमेर होटल वापस जाएँगे। वहाँ से जोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के यहाँ से वापस मौलाना साहब रवाना हो जाएंगे। यकीनन जो आप अभी आपने सवाल किया ये इंतहाई अहम सवाल है। जैसे आपने सवाल किया कि लोग इसको सही सियासी जलसा कह रहे हैं, यकीनन 2-3 साल से आप हालात देख रहे हैं कि भाई 1 महीने के अंदर कोई 5-6 लोगों ने नबूवत का दावा किया। इस वक्त ये दीन इस्लाम यहाँ पे दीन इस्लाम के नाम पे हमारा मुल्क बना है, और पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, और यकीनन यहाँ पे इस्लामी निज़ाम होना चाहिए और इस्लाम की तरवीज यहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई 1 महीने में 5-6 लोग नबूवत का दावा करे। और इस हवाले से हमारी जमात चूँकि सियासी मजहबी जमात है और मौलाना फजल रहमान साहब इस लिहाज में मैदान में उतर चुके हैं, और यकीनन इस्लाम की दिफा और दीन इस्लाम की हिफाजत हम तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। और जो लोग हालात को समझ रहे हैं और जो इस हालात की नज़ामकत को समझ रहे हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक़ किस पार्टी से भी हो, वो इस ख़त्म नबूवत के मामले में हमारे साथ है। और ख़त्म नबूवत के मामले में हमारे मुसलमान कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और इंशाल्लाह आज का कल का ये जलसा भी ये साबित करेगा कि जो ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ है उनके ख़िलाफ़ हमारे मुसलमान मैदान में उतर आएंगे, और उनको बर्दाश्त करने के लिए हमारे अहले इस्लाम वाले तैयार नहीं है। क़ायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे ख़्याल में अभी जोश पहुंच गया है, और हम अभी दोपहर को हम रैली बनाएंगे और जोश जाएंगे और क़ायद मिल्लत इस्लामिया को लेकर चित्राल आएँगे, और हम क़ायद मिल्लत फ़ख्र इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान का खुशामदीद कहते हैं पूरे चित्राल को लेकर। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ख़त्म नबूवत के सिलसिले चित्राल आता है और उनका कोई मकसद नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामों से रिसालत के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और इसके बाद कोई नबी नहीं है, इसका मकसद यही है। और हम चित्राल में उनका खुशामदीद कहते हैं, और चित्राल में अपर चित्राल लोअर चित्राल सारे लोग इधर आते हैं, और हम जो लोगों का इरादा नहीं हम उनको भी दावत देते हैं कि वो भी आए चित्राल और क़ायद का शुक्रिया अदा करें और ख़त्म तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में शिरकत करके मुसलमानियत का सबूत दें।